नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केटिंग। न्यूज मार्केटिंग में आपका स्वागत है। आज एक सवाल यह है कि क्या ऐसा कोई कानून है कि एक वयस्क लड़की किसी अपराधी से प्रेम या शादी नहीं कर सकती। यह सवाल मैं नहीं कर रहा, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट NIA से किया है। सुप्रीम कोर्ट का यह प्रश्न एक लव जिहाद मामले की सुनवाई करने वाले मामले में हुई। एक युवक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि हमारी पत्नी को कोर्ट में पेश किया जाए, हमारी पत्नी अपने पिता के कस्टडी में है, हमने 24 साल के हिंदू लड़की से शादी किया था जिसके बाद उसने इस्लाम धर्म कबूल किया है। लड़की के पिता का कहना है इस युवक का एक गिरोह है, यह युवक हमारी लड़की को अपने जाल में फंसाया है और उसके बाद शादी की है, यानी हमारी लड़की का ब्रेन वॉश करके इस युवक ने हमारी बेटी से शादी की है। NIA ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि बहुत से ऐसे संगठन, बहुत से ऐसे गिरोह हैं जो वयस्क लोगों के ब्रेन वॉश करते हैं और इसके पुख्ता सबूत भी हैं। लेकिन इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ ने NIA से ही सवाल कर दिया कि क्या ऐसा कोई कानून है कि कोई वयस्क लड़की किसी अपराधी से प्रेम या शादी नहीं कर सकती। सचमुच ही यह एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर तलाशना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो क्या ऐसा कोई कानून बनना चाहिए, क्या ऐसा संभव है? इसी बात पर हम आपसे कमेंट मांगते हैं जिससे कि इस समस्या का हल निकालने में हमें और पूरे देश को आसानी हो। एक जनमत मांगते हैं जिससे कि कुछ समस्याएं सॉल्व हो सके। आशा है आप कमेंट के रूप में हमें अपना मत जरूर व्यक्त करेंगे। नमस्कार।